विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हमीरपुर के मैग्नेट पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने हमीरपुर के बाजार में रैली के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। ये रैली भूटा चौक से लेकर हमीरपुर बाजार के बीचोंबीच होते हुए गांधी चौक तक निकाली गई। इसी के साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैग्नेट पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि एड्स किस प्रकार फैलता है और इसके क्या लक्षण हैं, इस बारे में लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को स्लोगनों और नारों के माध्यम से भी जागरूक करने का प्रयास किया गया। अबाउट एड्स, दैट व्हाट इज एड्स इन एक्चुअल एंड इन अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ दिस ईयर, दैट एवरी पर्सन शुड हैव वन every person should have blood test at least once in 5 or 6 months to check what is happening inside their body, or are they suffering from this disease or not. So that is about AIDS, and the main symptoms of AIDS are like, first symptoms which arise are like fever, nausea, influenza, headache. And after that, if we know that we are suffering from AIDS at early stages, then it can't be cured completely, but we can have the treatment, which is antiretroviral treatment, and that treatment can help us to live for many years further and many years longer. I am from the Magnet Public School. We are here accommodated to organize the rally along with the Gunjan organization. We are gathered here to remove the misconceptions from the people's mind that AIDS always transmit through the sexual contact. It is a very misconception in the people's mind that the AIDS is not always transferred through the sexual contact. It also transferred through the syringes from pregnant mother to child, etc. 90% of chances of transmission of this disease is blood transfusion. So we are here to remove the myths which people carry in their minds about AIDS, that it is only transmitted through sexual practices, and that's why we are here. Thank you very much. There is no cure to AIDS, but we can increase the lifespan of the individual which is suffering from AIDS by the use of different drugs. मैं सुशील गौतम, सोसाइटी में डिलीवरी पे था। हमारा मेन उद्देश्य है रैली का, तो लोगों को अधिक से अधिक इसके HIV AIDS के बारे में जानकारी हो और अपने स्टेटस का पता हो। हमारा जो इस बार का जो थीम से खुद का स्टेटस, और मैं सभी से अपील करता हूँ कि वो अपना अपना जो है टेस्ट जरूर कराए। नाम क्या सर अपना? सुशील गौतम, सोसाइटी फॉर हिली डेवलपमेंट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह में एड्स विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पाठशाला के चारों सदनों के छात्रों के बीच एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके पश्चात पाठशाला के बच्चों ने एक रैली भी निकाली, जिसमें बच्चों ने लोगों को एड्स से बचने का संदेश दिया। पाठशाला में एक चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने इस महामारी के दुष्प्रभावों तथा इसके बचने के उपायों को अपनी चित्रकला के माध्यम से बताया। इस अवसर पर पाठशाला के प्रधानाचार्य अशोक कुमार सोनी ने बच्चों को एड्स से संबंधित जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि जो लोग एड्स से ग्रसित होते हैं, उनमें HIV विषाणु पाए जाते हैं और विश्व भर में एड्स से प्रभावित लोगों की संख्या आज 4 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है, और अकेले ही थाईलैंड में 3 से 4 हजार लोग एड्स के कारण हर वर्ष मौत का शिकार हो जाते हैं, और विश्व में 1 मिनट में लगभग 25 लोगों की एड्स के कारण मौत हो रही है।